एप्पल एयरपॉड्स आज के टाइम पे सभी लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो हमें इतने अच्छे ऑप्शन दे देता है, जैसे अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छा डिज़ाइन और उसके साथ साथ अच्छे खासे साउंड क्वालिटी के साथ ये एयरपॉड्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ रीजंस के कारण हम लोग इसको खरीद नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है इसका प्राइस रेंज, क्योंकि ये जो है 13,000 रुपये की रेंज में मिलता है। और इसका जो दूसरा रीज़न है वो है इसकी फंक्शनैलिटी, क्योंकि एप्पल एयरपॉड जो है वो एप्पल के ही एनवायरमेंट में अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि अगर हम इसको एंड्रॉयड में यूज़ करेंगे तो उस लेवल की हमें फंक्शनैलिटी नहीं देगा, इस वजह से हम इसे नहीं खरीद पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एप्पल एयरपॉड्स के अल्टरनेटिव बताने वाला हूं, सबसे बेस्ट और बजट में, लाइक इसके हाफ प्राइस में आप लोगों को मैं इसके अल्टरनेटिव बताऊंगा, अच्छी साउंड क्वालिटी, अच्छी डिज़ाइन के साथ। तो गैस इस वीडियो में आप लोगों को बने रहना है, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आई नो लोकेशन जो है वो थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि अभी हमारे घर में कुछ काम चल रहा है तो उसकी वजह से जो जगह है वो रिप्लेस हो गई है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बात कर लेते हैं बेस्ट वायरलेस ईयरबड के बारे में। तो मैं आप लोगों को जो है 2,500 रुपये की रेंज में जो सबसे बेस्ट वायरलेस ईयरबड आपको मिल जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उस ईयरबड का नाम है बोट एयर ड्रॉप्स 411। काफ़ी कमाल का एयर ड्रॉप आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है बोट की तरफ से है और इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ साथ ये IPX5 के साथ आता है, जिसका जो वाटर रेजिस्टेंस है और स्वेट रेजिस्टेंस है वो भी काफ़ी कमाल का आपको मिल जाएगा। और इसकी जो बैटरी लाइफ है वो आपको 3.5 घंटे की मिल जाएगी, लाइक 3.5 घंटे तक इसमें आप प्ले टाइम लाइक म्यूजिक्स वगैरह जो है वो कंटिन्यू सुन सकते हैं। उसके साथ साथ इसका जो केस जो इसमें मिलता है उसमें आप 3 बार इसको चार्ज कर सकते हो, तो ये जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी कमाल की है। इसमें आपको HD साउंड क्वालिटी मिल जाती है, और स्टीरियो जो है इसकी कॉल क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। 6mm का इसमें ड्राइवर मिल जाता है, जिसके कारण इसकी साउंड क्वालिटी और भी ज़्यादा काफ़ी अच्छी हो जाती है, और बेस वगैरह जो है वो भी कमाल के इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ये जो ईयरफोन जो है, जो वायरलेस, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है, काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो अगर आप 2,500 तक में कोई ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये ईयरबड्स जो है वो पूरी तरीके से सजेस्ट करता हूँ। इसकी जो बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां से जाके इस एयरपॉड्स को जो है खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 4,500 की रेंज में सबसे बेस्ट वायरलेस ईयरबड के बारे में। तो उसका नाम है नॉइस शॉट X50। ये ईयरबड्स इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट है, उसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो 4,500 रुपये ही है। इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको 5.0 ब्लूटूथ मिल जाएगा, उसके साथ साथ इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी कमाल की, 4 घंटे तक का आपको कंटिन्यू प्ले टाइम दे सकती है। उसके साथ साथ इसकी जो चार्जिंग केस है, इसका जो केस है वो आपको 10 बार चार्ज करने की कैपेबिलिटी देता है, लाइक इसको आप 10 बार 0 से 100% तक चार्ज कर सकते हो। उसके साथ साथ ये HD साउंड के साथ आता है, स्टूडियो माइक्रोफोन भी जो है आपको इसमें मिल जाएगा, और इसकी जो कलर वेरिएंट है वो भी काफ़ी कमाल के हैं, 3 कलर के साथ ये आपको प्रीमियम 3 कलर है, काफ़ी अच्छे दिखने में लगते हैं। तो भाई ऐसे लोग जिनको बैटरी लाइफ वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगता है तो उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बैलेंस साउंड क्वालिटी है, आपको एकदम से ज़्यादा बेस और ज़्यादा वोकल नहीं मिलेगा, सब कुछ बैलेंस मिलेगा। तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये ही सबसे बेस्ट वायरलेस ईयरबड था। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 5,500 की रेंज में वायरलेस ईयरबड के बारे में। तो इस रेंज में सबसे बेस्ट वायरलेस ईयरबड है नोकिया की तरफ से ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स। ये काफी कमाल के और लाइट वेट ईयरबड आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी एक ऐसा ईयरबड चाहते हैं जो एंड्रॉयड में सबसे अच्छा सपोर्ट करे, जैसे कि एप्पल के लिए जो है एयरपॉड्स जो है सबसे अच्छा फंक्शनैलिटी, सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं, उसी की तरह जो है नोकिया के इन वायरलेस ईयरबड को सबसे अच्छा माना जाता है एंड्रॉयड के लिए, क्योंकि इसमें जो है कनेक्टिविटी, जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो एंड्रॉयड के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से सिंक होती है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी अच्छी है, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, ब्लैक कलर में आपको मिलेगा, स्टूडियो साउंड क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा। इसकी जो बैटरी बैकअप है वो आपको 3.5 घंटे तक का मिल जाएगा, और इसकी जो चार्जिंग केस है
है वो थोड़ी अलग सी है, सिलेंड्रिकल चार्जिंग केस के साथ ये आपको आता है और इसमें जो है आप 4 बार इसको चार्ज कर सकते हो। लाइट वेट और गूगल और एंड्रॉयड के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से सिंकअप होता है। इसमें डबल टैप, सिंगल टैप, वॉल्यूम के लिए भी जो है आपको दोनों ईयरबड में फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, तो काफ़ी बढ़िया ईयरबड्स आपको मिल जाता है। लाइक प्रीमियम है, नोकिया ब्रांड का है, काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर 5,500 रुपये तक की रेंज में कोई भी ईयरबड खरीदना चाहते हैं तो ये ईयरबड सबसे बेस्ट मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा। तो अब चलते हैं 6,500 की रेंज में। तो उस रेंज का सबसे अच्छा ईयरबड है मोटरोला की तरफ से, मोटरोला ईयरबड्स 500। काफ़ी कमाल का ईयरबड आपको मिल जाता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा, उसके साथ ही इसमें आपको W1 चिप का सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण इसमें जो ईयरबड्स हैं, दोनों ईयरबड्स की जो फंक्शनैलिटी है आप अपनी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक ईयरबड यूज़ करना चाहते हैं तो दूसरे ईयरबड अपने आप ही जो है वो पॉज या फिर बंद हो जाएगा। अगर आप दोनों ईयरबड्स निकालते हैं तो इसकी जो म्यूज़िक जो है वो रिज्यूम और पॉज हो सकता है। इसमें जो है आपको सिंगल टैप ऑप्शन मिलेगा जिसको आप प्रेस करके इसका जो बिल्ट इन एलेक्सा है उसको कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी जो बैटरी लाइफ वो सबसे अच्छी है क्योंकि ये आपको 9 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे देता है, तो काफ़ी कमाल का है। उसके साथ साथ 4 बार आप इसको केस के थ्रू इसको चार्ज कर सकते हैं और इसकी जो कलर है वो वाइट कलर का प्रीमियम लुकिंग कलर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी कमाल की है क्योंकि इसमें जो है आपको 60mm का ड्राइवर मिलेगा। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन के साथ ये जो है ईयरबड 6,500 रुपये की में आप लोगों को मिलता है। तो अगर आपका बजट इतना है 6,500 रुपये तो आप इसको खरीदें, मैं आपको इसको खरीदने की सजेशन देता हूँ। काफ़ी अच्छा इस प्राइस रेंज में आपको ये ईयरबड्स मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की सबसे हाई प्राइस रेंज की, तो वो प्राइस रेंज है 8,000 रुपये का। तो भाई 8,000 रुपये में सबसे बेस्ट वायरलेस ईयरबड्स हैं वो हैं एंकर की तरफ से साउंड कोर। ये काफ़ी कमाल के ईयरबड्स हैं। एंकर एक बहुत अच्छी पॉपुलर ब्रांड है, US वगैरह में जो है इसके पावर बैंक्स और ईयरबड्स और हेडफोन्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि बहुत अच्छी सर्विस आपको देती है। इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ साथ इसका जो साउंड की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है क्योंकि इसमें उन्होंने एक अलग सी ग्रेफाइन काउंटर करके जो है साउंड क्वालिटी दी है। इसकी जो बैटरी है वो 4 घंटे तक लगातार चल सकती है, लाइक उसमें आप कंटिन्यू म्यूज़िक सुन सकते हो। उसके साथ साथ इसका जो केस है उसमें आप टोटल 20 आवर्स तक चार्ज कर सकते हो, लाइक 20 घंटे तक का और भी बैकअप आपको मिल जाता है, तो काफ़ी कमाल की बैटरी लाइफ मिल जाती है। और सबसे अच्छी और जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि इस ईयरबड्स में आपको 18 महीने तक की वारंटी मिलती है। तो भाई 18 मंथ की वारंटी आपको मिल जाती है, अगर कुछ भी ख़राब होता है या कुछ होता है तो वो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक करके आपको वापस मिलेंगे। उसके साथ साथ इसकी एक और खासियत मुझे लगी है वो है नॉइस कैंसिलेशन। आपको इस प्राइस रेंज में अभी तक जो मैंने ईयरबड्स आपको बताया उसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिल रहा था लेकिन उस लेवल का नहीं मिल रहा था, तो इस जो रेंज में आपको अगर नॉइस कैंसिलेशन चाहिए तो इसमें पूरी तरीके से अच्छा नॉइस कैंसिलेशन आपको मिल जाएगा। तो भाई 8,000 अगर आपकी रेंज है तो सबसे बेस्ट वायरलेस ईयरबड्स अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं। तो ये थे बेस्ट वायरलेस ईयरबड्स, मैंने हर प्राइस रेंज में आपको सबसे बेस्ट वायरलेस ईयरबड्स के बारे में बता दिया है। तो अगर आप इन ईयरबड्स को खरीदना चाहते हैं तो इनकी बाइंग लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, तो आप वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं वहां पे आपको जवाब दूंगा। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे DM कर सकते हैं, तो मैं वहां पे भी जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर पूरी तरीके से देने की कोशिश करूंगा। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।